कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छा है। तो आज हमारा एक इंटरव्यू है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं हम कहाँ पे हैं। कहाँ पे हैं? अभी ओवरब्रिज पे हैं। ओवरब्रिज पे है और नीचे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हमारा इंटरव्यू हो। क्योंकि हमारे पास साथ तो कोई फ़ोन पकड़ने वाला है नहीं, तो कोशिश करेंगे आप लोग को दिखाने का। और देखिए कितना ज़्यादा गंदा रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो आप लोग आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हमें पटना जू में, एक्चुअली पटना जू में हम किसी ये पटना जू का पार्किंग है, एक्चुअली जू नहीं है, जू है तुम्हारे सर का जू है। ये दिमाग खाने के लिए आ गई है यहाँ पर। और हमारा एक रिलेशन था, उन्हीं लोगों से मिलने के लिए हम लोग आए थे। तो बाकी यहाँ पर कई सारे हमारे भैया लोग हैं, रिपोर्टर वगैरह जो भी न्यूज़ चलाते हैं, वो लोग एक यहाँ पर आए हुए थे। बाकी अभी ये लोग जा रहे हैं, एक्चुअली शाम भी होने वाली है और शाम के 6 बज रहे हैं। तो आप जानते हो कि शाम के 6 बजे पटना चिड़ियाघर बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो हम लोग भी यहाँ से अपने रूम पर चलेंगे। और बाकी अगर बाबू को दिखाऊं तो बाबू इधर देखो क्या कर रही है। ना खाएगी लो। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मजा आ रहा है ये। और बाकी कुछ हमारा अपडेट जो भी है, हम लोग अभी चलेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक अभी भैया लोग जा रहे हैं, ये देखिए भैया उनको फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए आप लोग, और सहयोग करिए जितना से जितना है आप लोग। चले तो बाकी तो भैया का क्या, आप सपोर्ट रहेगा और आप लोग भी कीजिए। और कपल को आप लोग तो बहुत प्यार देते हैं, तो देखिए ना थोड़ा ध्यान दे दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत सबसे पहले दोनों को ये प्यार को हम लोग को लगभग 2014 से हुआ है 14 में हुआ। प्यार नहीं, मतलब एक साथ रहते थे, जैसे फ्रेंडशिप टाइप का था, गांव के मतलब होता है ना कि रिलेशन था, जान पहचान था। तो उस हिसाब से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। और 2017 मतलब 15-16 से पहली बार कब देखे थे? 2014 में ही देखे थे। और छठ का गया था, देखते बिल्कुल धरक गया था 2014 में ही। छठ का दिन था वो। हाँ। कहते हैं ना कि खरना होता है, तो इनका घर मार्केट में है। तो मम्मी बोली थी नारियल लेके आओ, नारियल लाने के चक्कर में बहू को ले आए घर। देखिए भाई, ये नारियल लेने गए थे और नारियल लेते लेते इनका दिल धड़क गया इनके ऊपर। और आप इनको देख के क्या फील हो गया था कि लाइफ पार्टनर बस यही है जो है? हाँ, ये तो साथ साथ रहते थे, पढ़ाई करते थे साथ में रह के, एक ही कोचिंग स्कूल में रहना, पढ़ाई करना। प्रपोज नहीं हुआ था, एक दूसरे से नंबर लेके बात स्टार्ट किए थे। पहले नंबर कौन मांगा था? कोई तो शुरू किया होगा ना इसका वादी का। नंबर हम ही मांगे थे, क्योंकि इनकी जो बुआ है ना, जैसे इनकी बड़ी बुआ है, वो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ाई करती थी। तो प्यार करना सही है, लेकिन प्यार करके भाग जाना, शादी कर लेना ये गलत है। देखिए तो प्यार करके मर जाना क्या ये सही है? अच्छा, प्यार करके मर जाना ये सही है? कम से कम ये तो सही है कि अगर आप घर से भाग गए तो कम जिंदा है कहीं। गांव जाते हैं तो समाज कहता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, इस तरह से बोला जाता है। अच्छा। हम लोग को मतलब गलत बात बोलता है, मतलब जैसे कि होता है ना एक तरह से कि लव मैरिज कर ली तो कीचड़ उछालना, चलो कीचड़ उछालना। शादी से होता है, लोग पहले बॉयफ्रेंड जो होते हैं रिलेशन बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा हम लोग का नहीं था। जो भी था हमारा सच्चा प्यार था, ट्रू लव है हम लोग का। ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं गुजारे हैं। अच्छा। हम लोग साथ गुजारे हैं, लेकिन फिजिकल जो चीजें होती है वो फिजिकल हम लोग कभी ऐसा नहीं। क्योंकि हमारा समाज जो है कभी लव मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो बहुत कुछ को एक्सेप्ट कर लेगा। एक मतलब 60 साल का बुढ़ा जो है किसी नाबालिग का मतलब लड़की का रेप कर देगा, उस चीज को मतलब क्या एक्सेप्ट हो जाता है कि जैसे चलो अब तो गलती हो गया, उन्हें गलती कहा जाता है। जो लड़की है जो शादी करके भागना चाहती है, भाग जाती है एक माँ बाप को छोड़कर, उसको क्या कहना चाहिए? भागना चाहिए क्या? आप भाग के पछता रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? उस लड़की को यही कहेंगे कि जब तक तुम लड़का का मतलब कैरियर कुछ नहीं देखोगे, वो कोई कमा नहीं रहा है, कमा रहा है तभी उनके साथ मतलब भागो, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बाहर में। आज मैं आपको ऐसे कपल से मिलाऊंगा जो लव मैरिज शादी तो कर लेते हैं इंटरकास्ट, लेकिन शादी करने के बाद इनको पछतावा होता है। इसलिए आपको इनसे मिलाएंगे और इनका पूरा दुख दर्द जो है सुनाएंगे कि आखिर शादी करते इनको शादी करने से दिक्कत हुआ कि नहीं, क्या सब पूरा मैटर इनको समझाएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष है। और सबसे पहले समाचार चक्र को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम हमारा जो दुख है जो हमारे समाज अभी तक नहीं समझ रहे हैं, कम से कम आप आए ताकि आपके माध्यम से हम जो भी चीज़ें हैं समाज के साथ हम शेयर कर पाएँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? खुशबू है। अच्छा, लव मैरिज जो है, लव मैरिज जो गांव का समाज है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता, इस पर क्या आप कहिएगा? देखिए, समाज तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन हम ये कहेंगे कि प्यार कभी खत्म भी नहीं हो सकती हमारे समाज। प्यार करना तो सही है, प्यार करना सही है लेकिन प्यार करके भाग जाना, शादी कर लेना ये गलत है। देखिए तो प्यार करके मर जाना क्या ये सही है? अच्छा, प्यार करके मर जाना ये सही है? कम से कम ये तो सही है कि अगर आप घर से भाग गए तो कम जिंदा है कहीं ना कहीं। अच्छा। आप देखते हैं कि कोई जहर खा लेती है, कोई फांसी लगा लेती है, तो क्या ये सही है?
ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन समाज जिस समाज में हम लोग जीते हैं, गांव वाले समाज में, तो समाज तो लव मैरिज को एकदम देख नफरत करता है, जैसे समझ लीजिए नफरत करता है। तो आपके साथ, अच्छा खुशबू जी, आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं? समाज जो है आपको किस रूप से देखता है? बहुत ही गलत नज़र हमें तो, मतलब इतना कुछ सुनने को मिलता है कि हम बता नहीं सकते हैं। हमारा एक चैनल है खुशबू डॉट संतोष यूट्यूब पे, उस पर हम वीडियो बनाते हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो होता है हमारा, कोई वीडियो अश्लील नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे गांव जाते हैं तो समाज कहता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, इस तरह से बोला जाता है हम लोग को। मतलब गलत गलत बात बोलता है, मतलब जैसे कि होता है ना एक तरह से कि लव मैरिज कर ली तो कीचड़ उछालना, चलो कीचड़ उछालना। तो आप लोग जो इंटर कास्ट शादी किए हैं, तो इंटर कास्ट शादी किए तो परिवार आपका मतलब सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी सपोर्ट, जैसे परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, आना जाना है, एक्सेप्ट किया है कि मतलब हाँ चलो शादी कर ली, तो अब मान के चलिए माँ बाप है, शादी कर ही लिए तो अब कितना दिन नाराज रहेंगे, एक्सेप्ट कर लिए हैं। बाकी मतलब प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग बाहर में रहते हैं तो खुद अपना जो भी मतलब होता है, जैसे भी हो खुद हम लोग अपने कोई भी परेशानी हो तो अपने पति पत्नी में ही सॉल्व करना होता है। एक महंगाई के जमाने में पटना में आप लोग रह रहे हैं, तो पटना में जो खर्च होता है बहुत महंगा होता है, तो आप लोग का क्या स्थिति है, खर्च आप लोग उठा लेते हैं? देखिए खर्च उतना ज्यादा भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जैसे मान के चलिए अब होता है क्या है कि मैनेज एक तरह से होता है ना, अगर कहे तो कहते हैं ना कि रूम रेंट दे देते हैं, एक्चुअली पटना में तो हमारा कोई घर है नहीं, तो रूम रेंट देते हैं, और जो थोड़ा 2-3 हज़ार बचता है रूम रेंट दे करके, उससे खाना पीना हम लोग खा लेते हैं। आपको नहीं लगता कि आप लव मैरिज करके गलती कर दिए? घर से प्यार कर लिए मान के चलिए सही है, लेकिन घर से जो भाग गए, माँ बाप के छोड़ के जो भाग गए, माँ बाप का सपना का जो पानी फेर के भाग गए, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं गलत है? देखिए गलती तो अब ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं गलत है, इंटरकास्ट जो भी मैरिज है हमारा वो गलत है, अगर फैमिली के सपोर्ट से होता तो इस तरह की चीजें हमारे साथ नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत अफसोस आपको है। अफसोस है, आपको अफसोस है कि नहीं? जी बहुत अफसोस है कि आपको माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाहिए, भाग के शादी कर लिए। एक उम्र होता है, कर लीजिए अट्रैक्शन होता है लड़का लड़की के बीच में, हाँ। जिसके कारण प्रकृति का अट्रैक्शन है, जिसके कारण हो सकता है लोग भाग जाते हैं, तो आपको अब अफसोस हो रहा है कि नहीं? अफसोस हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी शादी उस टाइम हुई जिस टाइम हमें मतलब अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था, उस टाइम हम प्यार में पड़ करके अपना शादी कर लिए। खैर अभी प्रॉब्लम तो नहीं है, शादी कर लिए, उसके बाद फिर बेबी हो गई, तो बेबी होने के बाद प्रॉब्लम होती है, बच्चा भी हो गया, मतलब बच्चा का खर्च भी आपको डिफिकल्ट बन गया, तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ बहुत बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं ये परेशानी मतलब होता है कि एक स्टूडेंट लाइफ, मतलब जो लड़की एक मतलब स्टूडेंट लाइफ थी, उसके बाद फिर डायरेक्ट माँ बन जाना, शादी कर लेना, उसके बाद माँ बन जाना, बच्चे को परवरिश करना, ये चीज मतलब बाहर में रह के सही से नहीं हो पाता है। अच्छा एक बात बताइए, कितने उम्र में आप थे जब आपको प्यार हुआ? ये तो 14-15 साल के थे तब। 15 साल के जब थे उसी वक्त प्यार, हाँ, उस वक्त प्यार हुआ था, लेकिन हमारी शादी जो है 19-20 साल पे हुई थी, जैसे 2020 में हमारी शादी हुई, बालिक जब हो गए थे तब शादी, तब हमारी शादी हुई थी। अच्छा शादी से होता है लोग पहले बॉयफ्रेंड जो होते हैं रिलेशन बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा हम लोग का नहीं था, जो भी था हमारा सच्चा प्यार था, ट्रू लव। अच्छा। हम लोग साथ गुजारे हैं, लेकिन फिजिकल जो चीजें होती है वो फिजिकल हम लोग कभी ऐसा नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं, नहीं आपको ख्याल नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए? नहीं ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये लगता था कि इस तरह से चीजें कर अगर हम करते भी हैं, इस तरह कभी सोच ही नहीं आती थी, और लगता था कि अगर इस तरह की चीजें करती तो कहीं एक बुरा मान जाए और हमें छोड़ के चली जाएगी तो क्या? आपको ऐसा लग रहा था कि बुरा भी मान जाइएगा? हाँ ऐसा अभी के दौर में जो देख रहे हैं हम लोग माहौल, जो शहर का माहौल देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, हाँ अभी के दौर में तो देखिए, अभी के दौर में कॉमन चीज हो गया है, कॉमन चीज हो गया ये सब। सो हेलो गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं ना, और हम भी तैयार, देखिए पूरा एकदम फ्रेश तैयार हो चुके हैं, और बाबू हमारे गोद में अभी है, क्योंकि इनको पता है कि अब हम ऑफिस जाने वाले हैं। वैसे आप देखे थे कल मॉर्निंग में, सॉरी कल की जो वीडियोस थी आपने देखा कि हम लोग वहाँ पे कहीं घूमने गए हुए थे, एक्चुअली हमारे कुछ घर से लोग आए हुए थे उनसे मिलने के लिए गए थे, और उसके बाद फिर वहाँ पे कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले भैया से मुलाकात हो गई थी हमारी, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी लिया था, लगभग 10 न्यूज़ रिपोर्टर थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था कि हमारी कैसी क्या स्टोरी है नहीं है, तो बस आप लोग को वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा फेसबुक पर में भी और यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ और गाइस अभी गुड मॉर्निंग है सभी को, नमस्ते, प्रणाम, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा जल्दी में है गाइस। रात में एक तो मतलब क्या था, हम लोग गए थे ना वहाँ एक रिलेशन से मिलने गए थे, रिलेटिव थे, वहाँ पे एक बात हो गया, तो हम लोग वीडियो में नहीं दिखाए क्योंकि हर चीज़ मोमेंट शूट करना सही नहीं लगता है, क्या जी बता दीजिए। और पता है गाइस जिंदगी में एक चीज़ बहुत ही अच्छा कि हम लोग चिड़ियाघर से आ रहे थे, तो रास्ते में एक दीदी से हमारी मुलाकात हुई थी, और दीदी को फिर हम पता है दीदी मोतिहारी की रहने वाली थी, और उनको उनका ट्रेन था पाटलिपुत्र जंक्शन से 7 बजे की, तो रास्ते में हम लोग ऑटो में आ रहे थे, तो दीदी बहुत परेशान थी, एक्चुअली पटना में कितना ट्रैफिक रहता है आपको तो पता ही है,
और इतना ज्यादा ट्रैफिक थी, फिर दीदी की ट्रेन मिस हो गई थी तो अकेली थी वो, हम लोग उसको रूम पर लाए थे अपने रूम पर, और सुबह में फिर वो हमारे यहाँ, वो भी बिना जाने सोचे समझे, मतलब होता है ना कि चलो जान पहचान है कि नहीं है, कोई जान पहचान नहीं था। और आप, हमने वीडियो उनके साथ शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो शूट करना ही सब कुछ नहीं होता है, और ना ही कोई फोटो क्लिक करना। पहले देखिए कोई समझे नहीं समझे, भगवान तो देख रहा है ना कि हम लोग कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो फिर दीदी को अभी रूम पर से रैपिडो बुक कर दिए, रैपिडो वाले बाइक वाले आए और बाइक से फिर दीदी को पाटलिपुत्र पहुंचा दिया गया। कल अभी देखिए हमारा ऑफिस का नाश्ता कुछ यहाँ पर रेडी हो रहा है, अभी यहाँ पे भुजिया बन रही है, कुछ इधर अभी पराठा बना रही है, रोटी है, पसीने तो फाइनली हम फ्री हुए हैं। और इधर देखिए इनका टिफिन भी पैक कर दिया है, पराठा भुजिया, क्योंकि चावल दे नहीं सकते, आप समझ सकते हैं, अच्छा नहीं लगता वैसे भी लंच बॉक्स में चावल देने में, पराठा भुजिया बना के दे दिए हैं। बाकी इधर जो है, इधर इनका जो है नाश्ता हो रहा है क्या। और देखिए इधर वो वाला फैन लाए थे रात में आंटी से, क्योंकि वो दीदी आई थी तो बिना फैन का तो सुलाते नहीं, तो हम लोग के पास तो एक फैन है, एक ही है, तो दूसरा लाए हुए थे। बड़ा प्यार से बनाई है, तुम भी खा लो रोटी और भुजिया, भुजिया पराठा और भुजिया, अच्छा नहीं है इसीलिए नहीं अच्छा लग रहा है, देखो खाते आइए आप लोग भी खाना खा रहे हैं। जेंट्स का ना एक बात अलग होता है, उसको जब सब कुछ उसके हिसाब से होने लगे तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ छोड़ना स्टार्ट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमको खाने भी नहीं होता, ऐसा नहीं है, बात बात में कौन नहीं है, एक तो आर्यन को ढूंढ लिया आया छत पर, आर्यन नहीं है, स्कूल चला गया, आर्यन स्कूल चला गया। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और पता है डुगू के पापा के जाने के बाद ना हम सो गए थे, और ऐसे सोए कि बिना नाश्ता किए, जैसे वो नाश्ता कर रहे थे उनको नाश्ता बना के दिए, और नाश्ता बना के देने के बाद वो खाए और नाश्ता भी लेके चले गए, हम सो गए, हम सो इतनी जोर की नींद लगी थी तो हम सोचे कि थोड़ा सा सो जाते हैं, सोने के बाद जगे तो 12:30 बज रहा था, तो अभी जस्ट हम जगे हैं तो खाए हैं। पता नहीं मुझे नींद के आगे ना भूख प्यास कुछ भी नहीं दिखता है, बस नींद ही नींद दिखता है। अब बताइए जब इतना हम ही सोएंगे तो हम अपने बच्चे को क्या खाना बना के खिलाएंगे, क्या करेंगे, आप लोग खुद बताइए प्लीज़, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं बस इतनी सी कोशिश में लगी हूँ कि हमारी हस्बैंड जो है, हमारे जो हस्बैंड है वो काम करने नहीं जाए, और हमारा जो भी मतलब हो ना यूट्यूब से, हम लोग यूट्यूब पे ही मेहनत करें, यूट्यूब पे ही काम करें, और साथ रहे, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत है। इतने मतलब हम लोग कमज़ोर हो गए, वो भी काम करने उधर से आते, इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हम बता नहीं सकते, फ्रेंड रोते रहते हैं, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करते रहता, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग साथ रहें और एक दूसरे का हेल्प करें और यूट्यूब पे ब्लॉग बनाएं। अभी हम लोग का सिचुएशन देख सकते हो कैसे मेरा शरीर है, सो प्लीज़ जितने भी नए लोग हैं और जो सब लोग हमें हमारे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, बाय बाय।